Friends, welcome to the channel Advanced Excel for Advancement Classes. Today we will cover chapter number 21 and the chapter name is Hide and Unhide the Working Sheet and Workbook. So dosto aaiye start karte hain. Dekh sakte hain aap hide working sheet ke andar hum teen tarike se sheet ko hide ya unhide kar sakte hain with the help of ribbon, with the help of sheet tab and the last one is with the help of VBA. काफ़ी interesting part है VBA वाला. दोस्तों video जो है end तक देखिएगा ताकि आप समझ सको कि with the help of VBA हम sheet को कैसे hide और unhide कर सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर unhide और hide जो है normal person कर लेते हैं, but अगर आप with the help of VBA करते हैं तो normal person नहीं कर पाते, तो वो आपकी sheet unhide या hide नहीं कर पाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रिबन. रिबन के लिए सबसे पहले आपने होम पे क्लिक करना है. होम पे क्लिक करने के बाद आपने फॉर्मेट पे क्लिक करना है. फॉर्मेट पे जैसे आप जाएंगे हाइड एंड हाइड का आपका ऑप्शन दिखेगा विजिबिलिटी में. फिर आपने क्या करना है हाइड शीट पर क्लिक करना है. जैसे आप हाइड शीट पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं जो स्क्रीन पर मेरी शीट शो हो रही थी वो हाइड हो चुकी है. वही सेम ऑप्शन मैं रिपीट करूँगा, फॉर्मेट पर क्लिक करूँगा, अनहाइड हाइट पे क्लिक करूँगा. आप देख सकते हैं यहाँ पे अनहाइड शीट का ऑप्शन विजिबल हो चुका है. मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा ये मुझे ऑप्शन शो करेगा, अदरवाइज़ मैंने यहाँ पे कोई और शीट हाइड करी होती तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे शो करता. अभी शीट वन शो कर रहा है, मैं इसको ओके करूँगा तो देख सकते हैं मेरी शीट अनहाइड हो चुकी है. सेकेंड ऑप्शन आता है विद दी हेल्प ऑफ शीट टैब. नीचे देख सकते हैं शीट टैब आ रहा है, शीट वन, शीट थ्री एंड अदर ऑप्शन भी आ रहे हैं इसके अंदर. मैं शीट वन पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद राइट क्लिक मैं करूँगा, यहाँ पर देखिए मेरे हाइट का ऑप्शन आ चुका है. मैं हाइट पे जैसे क्लिक करूँगा मेरी शीट हाइट हो जाएगी. वही सेम ऑप्शन मैं दोबारा रिपीट करूँगा, राइट क्लिक, अब मैं इसमें अनहाइट पे क्लिक कर दूँगा तो मेरी शीट का ऑप्शन शो कर दिया कि शीट को मुझे अनहाइट करना है. मैं जैसे प्रेस करूँगा देखिए मेरी शीट अनहाइट हो चुकी है. सो दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट आ चुका है VBA वाला. इसके लिए आपको दोस्तों ध्यान रखिएगा आपके सिस्टम पर डेवलपर वाला ऑप्शन जो है इनेबल होना चाहिए, तभी आप शीट को इसमें हाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ VBA. तो स्टार्ट करते हैं डेवलपर ऑप्शन के लिए. आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा कि कैसे डेवलपर ऑप्शन आप ऑन कर सकते हैं. अभी फ़िलहाल के लिए डेवलपर ऑप्शन पर जाइए और क्लिक करिए विजुअल बेसिक पे. विजुअल बेसिक पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको देखिए यहाँ पे शीट वन, शीट टू, वही शीट के नेम आपको शो होंगे. आप शीट वन पे क्लिक करेंगे, शीट वन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑप्शंस शो हो चुके हैं. सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे जाना है विजिबल वाले पे. विजिबल पे आप देखेंगे यहाँ पर तीन ऑप्शन दे रखे हैं, आपने लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है शीट वेरी हिडन. जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और आपने कुछ नहीं करना, जस्ट ऊपर से क्रॉस कर देना है और देख सकते हैं यहाँ पर वो शीट मेरी हाइड हो चुकी है. अब मैं यहाँ पर देखिए अनहाइड भी करूँगा तो अनहाइड का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा. जब तक मैं VBA से जाकर उसको अनहाइड नहीं करूँगा तब तक ये मेरी शीट अनहाइड नहीं होगी. क्लियर है दोस्तों, देख सकते हैं मैं दोबारा विजुअल बेसिक पर जा रहा हूँ. शीट वन पर क्लिक करा, अब मैंने इसको कर दिया विजिबल, क्रॉस कर दूँगा, आप देख सकते हैं मेरी शीट अनहाइड हो चुकी है. क्लियर है दोस्तों. लास्ट टॉपिक पे आते हैं हम हाइड वर्कबुक. हाइड कैसे वर्कबुक करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ रिबन. आप देखिएगा ऊपर व्यू का ऑप्शन आपको दिखेगा, व्यू ऑप्शन पे जाने के बाद आप देख सकते हैं ये वर्कबुक विंडो वाला जो ग्रुप है इसके अंदर आपको हाइड का ऑप्शन दिख जाएगा. इस हाइड ऑप्शन से आपकी वर्कबुक जो है हाइड हो सकती है. आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए मेरी वर्कबुक जो है हाइड हो गई. नीचे सेम ऑप्शन अनहाइड का शो हो रहा है, जैसे ही मैं अनहाइड पे क्लिक करूँगा देखिए मेरी वर्कबुक जो है अनहाइड हो गई है. क्लियर है दोस्तों, हाउ टू हाइड वर्कशीट एंड वर्कबुक. सो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और दोस्तों ध्यान रखिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा. थैंक यू सो मच.